डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। ये क्लास 5 का मैथ है और ये चैप्टर 18 एक्सरसाइज 83 ये पार्ट 2 है। आप लोगों को पार्ट 1 में मैं क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट करवा चुका हूं, तो आज हम लोग इसको 18 से आगे बनाएंगे। तो 18 नंबर में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले पढ़ते हैं हम लोग इसको। ये स्कूटर कॉस्ट रुपीज इतना दिया हुआ है कि स्कूटर की कीमत इतना है 18,615। एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ सच 8 स्कूटर्स। तो इस प्रकार के 8 स्कूटर के कीमत को एस्टिमेट करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक स्कूटर का कीमत जो दिया हुआ है उसको एस्टिमेट करके और 8 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमको पता चल जाएगा कि 8 स्कूटर का एस्टिमेटेड प्राइस क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं कॉस्ट, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ वन स्कूटर रुपीज इतना हो गया, एक स्कूटर का कीमत इतना हो गया, तो इसका एस्टिमेटेड प्राइस क्या हो जाएगा। एस्टिमेटेड प्राइस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 100 तक आता है, 100 और ये 1000 के घर में आता है, तो 1000 के घर में हम इसको एस्टिमेट करेंगे। तो इसके ठीक पीछे देखेंगे तो यहाँ पे 6 है, मतलब 5 से बड़ा है। अगर एस्टिमेटेड क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे, मैं आप लोगों को बना कर दे चुका हूँ, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। अगर नहीं देखे हैं तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं जिस चैप्टर में एस्टिमेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे 1000 में हम लोग इसको एस्टिमेट कर रहे हैं, तो 1000 यहाँ से शुरू होता है, इसको हम लोग एस्टिमेट करेंगे और यहाँ 5 से ज़्यादा दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये एक बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ इसका प्राइस हो जाएगा 19,530। इतना इसका प्राइस हो जाएगा, एक स्कूटर का प्राइस जो है एस्टिमेटेड प्राइस जो है ये हो जाएगा। तो इस प्रकार के 8 स्कूटर्स का प्राइस, तो इस प्रकार के 8 स्कूटर का कीमत क्या हो जाएगा। तो इस प्रकार के 8 स्कूटर का कीमत जो है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 8 × 19,000। तो 19 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद 30 उस पर लगा देंगे तो हमको पता चल जाएगा। तो 19 का टेबल अगर 8 बार पढ़ते हैं तो उसका 19 8 जा हो जाएगा 152। तो हम लोग 30 लगा देंगे, 1, 2, 3। तो ये प्राइस जो है ये 8 स्कूटर का एस्टिमेटेड प्राइस हो जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा 18 नंबर का, ये कंप्लीट हो गया। अब 19 नंबर में एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ वन पेन इफ वन पेन 9 पेन्स कॉस्ट 268 रुपीज। ये 9 पेन का कीमत दिया हुआ है और इसमें एक पेन का एस्टिमेटेड प्राइस मांग रहा है, एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ वन पेन, एक पेन का एस्टिमेटेड प्राइस मांग रहा है। तो इसको हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ 9 पेन्स इक्वल टू 9 कलम का कीमत इतना हो गया, तो कॉस्ट ऑफ वन पेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको 268 को 9 से हम लोग करेंगे डिवाइड, कितना हो जाएगा, इसको 9 से हम लोग यहाँ पे बगल में डिवाइड कर लेते हैं, 9 से 268 को करेंगे तो 9 × 3 = 27 होता है, इसका मतलब 2 बार में जाएगा, 9 × 2 = 18 हो गया और यहाँ पे 16 हो गया 8, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे कट जाएगा, ये फिर 8 आ गया, 9 × 9 = 81 होता है, उससे ज़्यादा जाने वाला नहीं है, 10 बार में कभी जाया नहीं जाता है एग्जाम डिवाइड में, तो 9 × 9 = 81, तो बच गया 7, ये कट गया, अब इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, मतलब है कि एक पेन का कॉस्ट कितना आ रहा है, 29 प्लस आ रहा है, 29 रुपीज़ कुछ पैसे होगा, तो कॉस्ट ऑफ वन पेन, तो इसका एस्टिमेटेड प्राइस हो जाएगा ₹30। 29 से एस्टिमेट करेंगे इसको तो 30 हो जाएगा, तो ये जो है आंसर हो जाएगा, ये हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 20 को, एक्चुअली 20 में क्या है, तो फ्रेम व्हाट प्रॉब्लम फॉर द नंबर सेंटेंस, ये जो दिया हुआ है 518 + 35 = जो ये दिया हुआ है, इसको एक क्वेश्चन बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है पीछे एक्सरसाइज में दिया हुआ है, तो मैं आप लोगों को इसको एक क्वेश्चन लिख के दे देता हूँ। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। ए स्कूल हैज़ 518 स्टूडेंट्स, एक स्कूल में 518 स्टूडेंट है, आफ्टर ये वीक ज्वाइन 35 न्यू स्टूडेंट्स, एक सप्ताह बाद जो है 35 स्टूडेंट्स और वहाँ पे आ जाते हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। तो फिर स्कूल के टोटल स्टूडेंट्स का संख्या कितना हो जाएगा, उसको निकालना है। तो ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 20। 21 पे हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, तो 21 पे क्या कह रहा है, 21 पे फाइंड द एचसीएफ, 21 में फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। तो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे,
एच सी एफ ए नंबर में एच सी एफ निकालना है, तो फर्स्ट में दिया हुआ 63 और 99, इसको एच सी एफ। तो एच सी एफ निकालने का सबसे इजी मेथड होता है, डिवीजन मेथड होता है। एच सी एफ निकालने का सबसे इजी मेथड डिवीजन मेथड होता है, तो हम उसी से निकालते हैं डिवीजन मेथड से। तो इसको डिवीजन मेथड इस तरह से डिवाइड किया जाता है 99। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो टू बार में ये 62 जा 120 होता है, तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो हम एक ही बार में लेते हैं तो 63 हो गया, यहाँ पे 9 में से 3 6 हो गया और 9 में से 6 तो 3 हो गया। अब फिर इसको ऐसे करेंगे और यहाँ पे 63 को उठा के लाएंगे, 63 36 35 टू जा 70 हो जाता है, तो मतलब टू बार में ये जाने वाला नहीं है, वन बार में जाएगा। तो 136 और ये हो जाएगा 13 में 6 चला गया तो 7 बच गया, और यहाँ पे ये 1 इधर चला गया था, यहाँ 5 में 3 2 27 हो गया। तो यहाँ से फिर इसको घेरेंगे और 36 को उठा कर ले आएंगे यहाँ पे 36, तो यहाँ 27, तो 36 से ज़्यादा हो जाएगा टू बार में, तो वन बार हम लोग लेंगे। फिर यहाँ पे 27 आ गया, 7 में से 6 में से 7 जाने वाला नहीं है, तो 16 हो जाएगा, 16 में से 7 तो यहाँ पे 9 हो जाएगा और ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 27 फिर यहाँ पे आ जाएगा 27, तो 9 3 27 होता है, ये कम्प्लीटली कट गया। तो इसका आंसर जो होता है वो इधर वाला आंसर होता है 9। तो इसका एच सी एफ जो है एच सी एफ इक्वल टू 9 हो जाएगा। ये हो गया कंप्लीट, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। उसके बाद बी नंबर में क्या दिया हुआ है, बी नंबर में दिया हुआ है 459 और 527, ये हो गया। अब इसको भी इसी तरह से डिवीजन मेथड से हम लोग निकाल लेते हैं, तो इसको यहाँ पे दे देते हैं, 4 हो गया 59 और 527, ये 4 2 800 हो जाएगा, 800 से काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग इसको आगे नहीं लेंगे, एक बार में ही लेंगे 1, तो यहाँ 4 5 और 9 हो जाएगा। तो इसको करेंगे माइनस 7 17 हो गया, 17 में से 9 गया तो 8 बच गया, और यहाँ पे हो गया 1 तो 11 हो गया, 11 में से 5 6 हो गया, और यहाँ 4 हो गया, कट गया ये। अब इसको यहाँ से घेरते हैं और इसको उठा के यहाँ लाते हैं 459, तो यहाँ पे तो ये कितने बार में चल जाएगा, 68 6 जा चल जाएगा, यहाँ पे 6 बार में जाएगा, तो 68 6 जा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, 68 6 8 6 जा 48 हो गया, और 4 तो 6 6 36 और 4 40 हो गया, तो इतना आ गया 408। तो 408 यहाँ पे 6 बार में हम लोग लेंगे, उससे ज़्यादा ये जाने वाला नहीं है, 408। इसको करेंगे माइनस 1 हो गया और यहाँ पे 5 हो गया और ये कट गया, तो यहाँ 51 और ये 68 को उठा के यहाँ पे लाएंगे 68, तो ये 100 चला जाएगा, 100 से ज़्यादा चला जाएगा टू बार में, तो वन बार ही लेंगे 51। तो इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे 7 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया, तो इसको 17 हो गया, यहाँ इसको घेर कर 51 को यहाँ नीचे लाएंगे, 17 का टेबल पढ़ने से 51 आता है, 3 बार में आता है, 17 3 जा 51, तो 3 और यहाँ पे 51 लिए और इसको कट गया, और इसका आंसर होता है इधर वाला 17। इसका मतलब है कि एच सी एफ इक्वल टू 17, इसका आंसर 17 हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब सी नंबर में, सी नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है 342 और 378, ये दिया हुआ है, इसका एच सी एफ निकालने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाएगा ये, 342 और 378, तो ये एक बार में ही जाने वाला है, क्योंकि 300 और 300 यहाँ दो बार में 600 से ज़्यादा चला जाएगा, तो ये वन बार में, तो 342 कितना हो गया, ये 6 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया, ये कट गया, फिर इसको और यहाँ पे इसको लेते हैं 342, तो ये कितने बार में जाएगा, 36, ये 9 बार में जाएगा, ये 36 को हम लोग 9 बार में देख लेते हैं, क्योंकि 10 बार तो जाता नहीं है, ये 9 6 जा 40 54 हो गया, 5 हो गया और 9 3 जा 27 27 और 5 32 हो गया, तो ये 324 आ रहा है 9 बार में, 324। इसको माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पे
ये हो गया 8, 12 में से 4, और यहाँ पे 3, 2, 1 हो गया और ये कट गया। यहाँ पे 18 हो गया, इसका मतलब है कि ये 18 को घेर देते हैं और यहाँ 36 लेते हैं, तो 18 2 6, 36 जो है कट जाता है। तो यहाँ पे इसको 2 2 बार में कट गया, तो ये 36 कट गया, तो 18, इसका मतलब है कि इसका आंसर आ जाएगा HCF इक्वल टू 18। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 18। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 21। अब हम लोग 22 पे चलेंगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इतना इतना एंड इतना, मतलब 10, 15 एंड 20। एक ऐसा छोटा सा नंबर लेंगे जो कि ये सब तीनों से वो डिविजिबल हो जाए, कट जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 22, इसके लिए कुछ करना नहीं है, इसमें सिर्फ एलसीएम करना है। तो इसको एलसीएम ले लेते हैं, 10, 15 और 20 का एलसीएम हो गया। तो ये कितने बार में जाएगा, 5 2 बार में तो जा रहा है, ये 2 बार में जा रहा है। सबसे पहले हम लोग 2 से ले सकते हैं, छोटा नंबर से लेना है। ये कितना हो गया, 5 हो गया, 5 2 10, और ये हो गया, ये कटने वाला नहीं है, कम से कम 2 नंबर कटना चाहिए, यहाँ 10 हो गया, तभी हम लोग 2 से ले सकते हैं। अब 2 से जो है नहीं ले सकते क्योंकि एक ही नंबर कट रहा है ये वाला, तो 3 से तो ले नहीं सकते, 3 से कोई नंबर नहीं कट रहा है, तो हम लोग 5 से ले सकते हैं। 5 1 हो गया, ये 3 हो गया और ये हो गया 2, अब कटने वाला नहीं है। इसका मतलब है कि इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, पता चल जाएगा कि वो छोटा सा नंबर कौन सा है। 2 × 5 × 3 × 2, तो यहाँ 10 हो गया, 10 3 30 हो गया, 30 2 60 हो गया, इसका मतलब है कि इसका आंसर 60 होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे हम लोग आएंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड द लिस्ट लेंथ व्हिच कैन बी कट इनटू होल नंबर ऑफ पीसेज ऑफ लेंथ, इसमें इतना इतना और इतना, तो इसमें भी हम लोग को एलसीएम ही निकालना है। लिस्ट लेंथ 23, तो इसको भी हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं, 45 75 और 81। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, तो यहाँ तो 2 से कोई नहीं कट रहा है क्योंकि सब के वंस प्लेस पे जो है ऑड नंबर है। तो 3 से देखते हैं, 3 से ये कट रहा है, ये कट रहा है, 3 सब कट रहा है, ये 3 से काटते हैं, तो 3 3 जा 1 3 1 जा 3, 1 बार में यहाँ 3 चला गया, तो यहाँ पे 1 बच गया, 3 5 जा 15, और यहाँ पे 3 2 जा 6, 1 बच गया, तो 3 5 जा 15, और यहाँ पे 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 2 बच गया, तो 3 7 जा 21 ये हो गया। अब जो है अभी भी 3 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा है लेकिन ये दोनों कट रहा है, तो 3 से ले लेते हैं, 3 5 3 जा 15, ये हो गया, और यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं, फिर यहाँ पे हो जाएगा 9 9 3 जा 27, तो 9 हो गया। उसके बाद ये 3 से नहीं कट रहा है, 5 से कट रहा है, तो 5 लेते हैं, 1 हो गया और ये 5 हो गया, ये 9 रह गया। अब इसके आगे कटने वाला नहीं है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 3 × 3 × 5 × 5 × 9, 5 1 को लिया नहीं जाता है, उससे उस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा वही होगा। 3 3 जा 9 हो गया, 9 9 जा 81 हो गया, और यहाँ पे 25 हो गया, तो 81 और 25 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो पता चल जाएगा हम लोगों को 25 81, 5 1 जा 5 मतलब 25 आ जाएगा, और यहाँ पे एक क्रॉस लगेगा, 8 5 जा 40, 4 बच गया, 8 2 जा 16 16 और 4 20 हो गया, 20, तो ये हो गया 5 2 0 2, मतलब ये जो नंबर है 2025, ये जो 2025, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया कंप्लीट, ये इसका आंसर 23 का। उसके बाद 24 नंबर पे क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इसके और इसके बीच में डिफरेंस करने के लिए कह रहा है, मतलब माइनस करने के लिए कह रहा है, तो हम लोग इसको माइनस कर लेते हैं। 24 नंबर का 0 हो गया, 10 में से 1 9 हो गया, और यह 9 में से 3 तो 6 हो गया, 9 में से 0 9 हो गया, और 9 में से 5 तो 4 हो गया, और यहाँ पे ये कुछ नहीं होगा, मतलब इतना जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसके आगे जो है क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग पहले पढ़ते हैं इसको। इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में
कामिनी डिफिटेड हर नियरेस्ट रिवल कानू, कामिनी जो है अपने सबसे नज़दीकी चैलेंजर जो है उसको हराती है कानू बाय इतना वोट्स, इतना वोट से वो हराती है, मतलब इतना वो ज़्यादा वोट उसका आता है। इफ़ कानू पोल इतना वोट्स, अगर कानू का इतना वोट मिला है, हाउ मैनी वोट्स वेयर पोल इन फेवर ऑफ कामिनी, तो कामिनी के फेवर में कितना वोट मिला है। एज्यूमिंग दैट नो वोट वॉज फाउंड इनवेलिड, कोई भी वोट जो है इनवेलिड नहीं था, तो इसमें कुछ करना नहीं है, इतना वोट उसको मिला है और वो इतना वोट से जीती है, इतना वोट से वो जीती है, इसका मतलब है कि इसको दोनों को जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा। तो हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं, इसका आंसर हम लोग को मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 में, इसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 25, तो 59 हो गया, 14, 4 हो गया, 1 बच गया है, तो यहाँ पे 213 हो जाएगा, और 639, और यहाँ पे 83, 11, 1 हो गया, फिर 1 बचा हुआ है, तो यहाँ 2 हो गया और यहाँ पे 5 हो गया, तो इतना वोट्स हो जाएगा, इतना वोट्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर इसमें से कौन कौन सा है, तो यहाँ पे हम लोग टिक लगा सकते हैं, तो ये हो गया 3, 3, 7, 9 नहीं है, 36 नहीं, 41 हो जाएगा, 45 नहीं है, 59 हो जाएगा, और फिर 61 हो जाएगा, 63 तो टेबल में आता ही है, 71 नहीं आता है, 73 ये हो जाएगा, ये सब नंबर जो है प्राइम नंबर इसका हो जाएगा, तो इसको यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से इसको जो टिक लगा हुआ है वही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में हम लोग देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, रिड्यूस द फॉलोइंग टू लोवेस्ट टर्म, रिड्यूस मतलब यहाँ पे जो दिया हुआ है ये फ्रैक्शन, तो इसको जो है काटने के बाद सबसे छोटा टर्म में जो आएगा उसका वही आंसर हो जाएगा, तो इसको काटना है, तो इसको हम लोग यहाँ पे बनाते हैं 27, इसमें ए नंबर में दिया हुआ है ए 54/90, तो ये किससे कटने वाला है, 9 के टेबल से कट जाएगा, 9 सिक्स जा और ये 9 टेन जा, ये कट गया, और इससे छोटा क्या होने वाला है, ये 2 से कटेगा, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, ये हो गया, इसका मतलब है कि 5 3 ये प्राइम नंबर है, ये कटने वाला नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3/5, ये आंसर हो जाएगा ए नंबर का। उसके बाद बी नंबर में दिया हुआ है, बी नंबर 45/200, तो यहाँ पे 5 से ये कटता है, जिसके लास्ट में जिसके वंस प्लेस पे 5 हो या 0 हो तो वो 5 से कट जाता है, तो इसको हम लोग 5 से काट लेते हैं, कितने बार में जाएगा ये, 5 9 जा 45 और 5 20 काट सकते हैं, 5 4 जा 20, तो ये 0 इस पे आ जाएगा, ये हो गया, और इसके बाद इससे आगे ये कट सकता है, कटने वाला नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये 9/40, ये इसका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर इसमें सी भी दिया हुआ है, तो सी में क्या हो जाएगा, सी इसमें दिया हुआ है 18 और यहाँ पे दिया हुआ है 30, 3 से कट जाएगा ये, 3 6 जा 18 और 3 10 जा, इसके आगे भी ये कटेगा, कितने बार में जा रहा है, 2 बार में जा रहा है, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 हो गया और 2 5 जा 10, ये हो गया, तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा 3/5। क्वेश्चन नंबर सी ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 पे जाएंगे, 28 पे क्या कह रहा है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं 28 क्वेश्चन, एक्सप्रेस ये जो नंबर दिया 5 and 2/3 एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसको कहने का मतलब है कि मिक्स फ्रैक्शन ये दिया हुआ है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना, तो ये बहुत ही आसान होता है, यहाँ फर्स्ट में जो है मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और यहाँ पे ऐड कर दिया जाता है, तो इसको मैं यहाँ पे आप लोगों को यहीं पे बना के दिखा देता हूँ, 5 3 जा 15 हो गया, 15 और ये 2 16 17 हो गया, तो 17/3 इसका आंसर हो जाएगा, 17/3 इसका आंसर ये हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे 29 फाइंड द सम, मतलब ऐड करना है इसको, यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसीलिए ऐसा लगता है कि जैसे मतलब प्रॉब्लम होगा, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे ऐड करके, पहले क्वेश्चन में लिख लेता हूँ, ये हो गया, पहले इसको हम लोग सीधा कर लेते हैं, तो 2 into 3 into 2 हो गया, तो 3 2 जा 6 और ये 7 हो गया, 7/3 ये हो गया, प्लस यहाँ पे 12 4 जा 48 हो गया, और 7 48 और 2 50 हो गया, और 5 55 हो गया, तो 55
बाय 12। अब इसको हम लोग करेंगे प्लस, तो यहाँ पे सबसे पहले इसको एलसीएम लिया जाता है, 12 और 3 का एलसीएम, तो एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 12, तो ये 3 से जा रहा है 1, और ये हो गया 3 4 जा 12, मतलब 12 ही होगा। तो इसको एक लाइन देते हैं और यहाँ पे 12 लिख लेते हैं। ये जाएगा कितने बार में, इसको डिवाइड करेंगे, ये इस तरह से होता है, मैं आप लोग बता देता हूँ डिटेल में लिख के। ये 12 डिवाइड 3 कितने बार में जा रहा है, 4 बार में। तो ये 4 जो है यहाँ 7 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 4 7 जो 28 हो गया 28, तो ये 28 यहाँ पे आ जाएगा। प्लस लिखेंगे और ये 12, इस 12 को डिवाइड करना है इस 12 से, तो 1 बार में जाएगा, और इस 1 को यहाँ पे 55 से करना है मल्टीप्लाई, तो उतना ही रह जाएगा 55, ये 55 जाएगा यहाँ पे। तो इसको करेंगे प्लस 55, 8 और 5 13 हो गया, 3 1 बच गया है, और 5 टू 7 और 1 8 हो गया, तो यहाँ पे 83 बाय 12 ये हो गया। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो इसका आंसर भी हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में देना है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लाने के लिए हम लोग 83 को 12 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कर लेते हैं इसको, 12 हो गया और यहाँ पे 83 हो गया, तो 12 सिक्स जा हो गया 72, और यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ आ गया 1, और यहाँ पे आ गया 11 आ गया। तो इसको जो है इसको बीच में रखा जाता है, और नीचे वाला जाएगा ऊपर, और जो नीचे रहता है वो नीचे ही रहेगा। तो इसका मतलब है कि 6 बीच में रह गया, और 11 जो है वो ऊपर चला गया, और 12 जो है वो नीचे के नीचे रहेगा। इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा, 29 का आंसर कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में व्हिच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, ये काफ़ी आसान है, इसको निकालने का एक आसान तरीका आप लोगों को बता देते हैं। 30 हो गया, तो यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेते हैं 1/7 हो गया, और 1/15 ये हो गया। अब इसको हम लोग करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से, और ये जो है याद रहे कि जिधर ऊंचा वाला ऊपर वाला जो है उसके तरफ का वैल्यू बनेगा। इस 7 और 1 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर है, तो इधर आएगा ये 7 1 जा 7, और 15 1 से ये 1 ऊपर इधर है, तो 15 1 जा 15 इधर आ गया 15, तो ये 15 बड़ा हो रहा है, इसका मतलब ये फ्रैक्शन जो है 1/7 ये बड़ा है, इक्वल टू 1/7 इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 30, और 31 में 31 मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है, तो ये काफ़ी आसान होता है, ये भी आसान है। 31 यहाँ पे मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ, ए नंबर में 3/4 × 2, तो एक्चुअली क्या होता है इसमें काटने का सिस्टम रहता है, मल्टीप्लाई जो होता है उसमें काट दिया जाता है, रिड्यूस कर दिया जाता है, उसके बाद आंसर हो जाएगा। तो ये इससे कट जाएगा, 2 2 जा 4, तो कुछ बचा नहीं, 3 बचा और ये 2 बचा, तो इसका मतलब है कि 3/2 इसका आंसर हो गया। और बी नंबर में उसी तरह से दिया हुआ है, बी 7/12 × 6, तो 6 से 2 काट देते हैं, 6 2 जा 12 ये कट गया, उसके बाद कटने वाला नहीं, 7 प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे 7/2 ये हो गया इसका आंसर। तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, इसके आगे मेरे पास अभी क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैं इसके आगे सॉल्यूशन नहीं दे पाऊँगा। जैसे इसके आगे का क्वेश्चन मुझे मिल जाता है, आप लोग को मैं इसका भी सॉल्यूशन दे दूंगा बनाकर। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो से थोड़ा भी मदद मिल रहा है, और किसी प्रकार का अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है, तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया हुआ है, अब मैं व्हाट्सअप नंबर सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। किसी प्रकार का कोई भी डाउट अगर आप लोगों को होता है, तो कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं हमें, मैं आप लोगों का डाउट क्लियर करने का कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो से मदद मिल रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नेक्स्ट एक्सरसाइज को और नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।